नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बढ़ते कोरोना संकट के बीच दिल्ली गंभीर स्वास्थ्य संकट की तरफ बढ़ती जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में अस्पताल तेजी से भरते जा रहे हैं, बिस्तरों की संख्या कम हो रही है, आईसीयू में 100 से भी कम बिस्तर बचे हैं। अरविंद केजरीवाल कुछ दिन पहले दावा ये कर रहे थे कि बिस्तर की कमी नहीं, आईसीयू बेड की कमी नहीं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बस लोग संयम बरते। लेकिन अब आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आईसीयू में 100 से भी कम बिस्तर बचे हैं, जिसका मतलब ये कि दिल्ली में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 25,500 केस दिल्ली में आए हैं कोरोना के। उसके पिछले 24 घंटे में 24,000 आए थे, उसके पिछले घंटे 24 घंटे में 19,500 आए थे। सो, अभी कोरोना के केसेस बढ़ने की गति चालू है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ज़्यादा चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़ के लगभग 30% हो गया है, जबकि ये उसके पिछले 24 घंटे में केवल 24% था। 24% से बढ़ के 30% पॉजिटिविटी रेट हो गया, बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। अभी पूरे दिल्ली का अगर जायजा लिया जाए तो जो कोरोना के लिए बेड रिजर्व हैं वो बेड काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। पेशेंट्स बहुत तेज़ी से मरीज जो हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं। आईसीयू बेड्स की खासकर काफ़ी कमी हो गई है, लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कमी है। कल रात को एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने हमें बताया कि उनके यहाँ काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी, जिसकी वजह से त्रासदी होते होते बची। ये हम लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में भी हैं, उनसे भी मदद मांग रहे हैं, उनसे मदद मिल रही है। जो जो मदद अभी तक हमें उनसे मिली है उसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। केंद्र सरकार मदद कर रही है लेकिन हालात बहुत खराब है। और इस बीच लॉकडाउन दिल्ली में 2 दिन का शनिवार रविवार तस्वीरें क्या है, क्योंकि बाजार बंद है और हालात सड़कों के अभी क्या है, अरविंद ओझा की रिपोर्ट देखिए। वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। अगर यहाँ पर देखें तो बाकायदा चेकिंग की जा रही है और दिल्ली में अब इसी तरीके से हर वीकेंड पर कर्फ्यू लगेगा। आप जो एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोग हैं सिर्फ वही जा सकेंगे। लेकिन अगर आप ये देखिए तो बाकायदा जो दिल्ली में बसें चल भी रही हैं वो किस तरह से खाली पड़ी हुई हैं। अगर आप देखेंगे तमाम DTC की बसें वो पूरी तरह से खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि इस वीकेंड कर्फ्यू में सिर्फ एसेंशियल सर्विस वालों को ही इजाज़त दी। तमाम जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, लेकिन जो वीकेंड कर्फ्यू है उसका असर साफ साफ देखा जा सकता है कि जो बसें हैं वो उसमें इक्का दुक्का सवारियां ही आपको बैठी नजर आएंगी। उसके अलावा आप एकदम भीड़ सड़कों से नदारद है और दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो बेहद सख्ती से जो ये पूरा वीकेंड कर्फ्यू है उसका पालन कराएंगे। अगर आप देखें तो बाकायदा जो बाइक पे इस तरह से जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो आपको पेट्रोलिंग करते हुए भी पूरे कनॉट प्लेस एरिया में दिखाई देंगे। अमूमन रविवार के दिन कनॉट प्लेस की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती थी, लेकिन वो तमाम भीड़ फिलहाल यहाँ से नदारद है। कैमरामैन नसीर के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो ये फिलहाल लॉकडाउन में दिल्ली की तस्वीर। इस बीच मेरे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानेंगे हाल क्या है। कमलजीत संधू दिल्ली का हाल बताएंगे, मुस्तफा शेख मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई का हाल बताएंगे, साथ ही पूरे महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश में भी आज लॉकडाउन है। मैं लौटूंगी या कुमार अभिषेक आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि तीनों जगह के हाल आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं, तस्वीर क्या है, कहां तक पहुंचे हैं आंकड़े, तो ये आप इन तस्वीरों में देखिए, हम आपको लगातार बताएंगे। फिलहाल राज्यवार अगर नजर दौड़ाई जाए तो हालात क्या है। सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली। देखिए दिल्ली में जहां 24,000 से ज्यादा मामले और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 100 से भी कम आईसीयू के बेड्स बचे। और इस बीच ये भी देखिए तस्वीर उत्तर प्रदेश की, कुमार अभिषेक ये भी हम आपके पास आएंगे जानेंगे। 27,360 मामले यहां पर हो गए लॉकडाउन दिल्ली में और लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में, लेकिन महाराष्ट्र में सख्तियां बरकरार। 67,123 यहां पर भी मामले नजर आ रहे हैं। उसके बाद कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु का नंबर आता है। लेकिन सबसे पहले सीधा कमलजीत संधू, बेड्स की स्थिति क्या है फिलहाल
अस्पतालों में। नवजोत, राजधानी दिल्ली की हालत खस्ता है और ये देश की राजधानी है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल दूसरे प्रदेशों में हो रहा है, जब इसी राज्य में आप बोल रहे हैं कि आईसीयू में 100 से कम बेड्स अवेलेबल हैं, यानी एक पैनिक की स्थिति है अब वो सेट इन कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो खासतौर पर रब्ता बनाए रखे हैं हेल्थ मिनिस्टर से। आपको बता दें डीआरडीए को जो अस्पताल है वो फरवरी में बंद कर दिया गया था, ये 1000 बेड का था, उसके बाद अब दोबारा निर्णय लिया गया है कि इसको खोला जाएगा 500, और हमें बताया गया है कि मंडे से 250 के करीब ये बेड जुड़ जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि आईटीबीपी ने छतरपुर में इस तरह का एक लार्ज सेंटर रखा था, वो भी बंद कर दिया गया है। वो भी बोल रहे हैं कि हम एक दिशा निर्देश का संकेत का इंतजार कर रहे हैं कि अगर वो खोलने की जरूरत पड़े। लेकिन आप देखें हर 4 आदमी में अगर एक आदमी पॉजिटिव है, इसके अपने आप में मतलब है कि किस तरह से, चाहे हम बात करें ऑक्सीजन की, चाहे हम बात करें रेमडेसिविर की, चाहे हम बात करें बेड्स की, यानी एक जो स्थिति है जो आम आदमी है जिस तरह से जूझ रहा है, अगर आपका कोई कनेक्शन नहीं है तो किस तरह से आप भर्ती कराएंगे। एक पूरा मोड टेस्टिंग में अब कई कई दिन लग रहे हैं, जो अजान पहचान के लोग हैं वही हमें बता रहे हैं, तकरीबन एक हफ्ता का बैकलॉग चल रहा है। हाँ। तो यानी स्थिति काफी खस्ता है, और जो एक साल का पहले का पीरियड है जहां से सब बोल रहे थे कि हम जीत चुके हैं कोविड की लड़ाई, और एक बार फिर कोविड का जो दूसरा कहर है वो आया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सरकारें काफी हद तक विफल होती नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, कहा जा रहा है कि पैनिक नहीं कीजिए, लेकिन पैनिक कैसे ना करें, क्योंकि अस्पतालों के बाहर जो लंबी कतारें लगी हैं वो यकीनन चिंता में डालती हैं। मुस्तफा शेख, मुंबई महाराष्ट्र का हाल मैं आपसे जानूंगी, लेकिन उससे पहले जरा बताएं कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत बताई जा रही है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि रेमडेसिविर और ऑक्सीजन सप्लाई में भेदभाव हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। रेमडेसिविर को लेकर जब एक सप्लायर को विलेपाले पुलिस स्टेशन ने पूछताछ के लिए बुलाया तो लीडर ऑफ अपोजिशन देवेंद्र फडणवीस पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इस बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए नवाब मलिक साहब हमारे साथ हैं। सर, साफ तौर पर दिख रहा है कि रेमडेसिविर के लिए सप्लायर को पूछताछ की जा रही थी, इन्फॉर्मेशन ये थी कि 60,000 वाइल्स कहीं स्टोर की गई है जिसके बारे में जानकारी थी, तो इसमें जो है लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि उस शख्स को रिहा करना चाहिए, आगे क्या जानकारी मिल पाई सर पूरे मामले में? राजेश धुकानिया जो ब्रुक फार्मा के मालिक है, लगातार बीजेपी उनकी वकालत कर रही थी, लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता ट्वीट कर रहे थे कि 50,000 वायल हम इनसे लाएंगे महाराष्ट्र में। लीडर ऑफ अपोजिशन जो विधान परिषद के हैं दरेकर जी, वो लेकर एफडीए के मंत्री महोदय से मिले कि इन्हें ऑर्डर देने का काम करो। तो राजेश धुकानिया और बीजेपी का कोई ना कोई कनेक्शन तो है। अगर किसी को पुलिस जांच के लिए बुलाती है तो दोनों नेता प्रतिपक्ष, बहुत दो विधायक कैसे पहुंच जाते हैं? क्या पुलिस यंत्रणा अपनी काम ना करे? देवेंद्र जी वकील हैं क्या? वकील की हैसियत से वकालत करने के लिए गए थे वो? कल जांच के लिए बुलाया गया, जांच हो रही थी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के लोग पुलिस स्टेशन में जाकर दबाव डाल रहे थे ये उचित नहीं है। कल उनकी जांच के दौरान एफडीए ने रात में उन्हें सरकार को सप्लाई करने का आदेश ब्रुक फार्मा को दिया था, जो देखने के बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ा है। आगे जरूरत पड़ेगी तो बुलाया जाएगा। लेकिन रेमडेसिविर का जो खेल है महाराष्ट्र में, उसमें बीजेपी शामिल है, ये कल की घटना से स्पष्ट हो गया है। बिल्कुल, और सप्लायर्स के साथ सांठ गांठ की बात भी सामने आ रही है। बीजेपी की जो गुजरात प्रदेश अध्यक्ष है वो बीजेपी ऑफिस में रेंडम से रहते हैं, और ये सप्लायर दमन के। नहीं देखिए, ऐसा है, महाराष्ट्र के साथ अन्याय हो रहा है, ये बात सच है। रेमडेसिविर की किल्लत पैदा की जा रही है, ये भी बात सच है। मुस्तफा शेख, जो नंबर्स हैं उससे तो प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि लोगों की जान पहले बचाई जाए, लेकिन यहाँ तो सियासत ही नहीं खत्म हो रही। जी बिल्कुल, सियासत किसके लिए है ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या लोगों के भले के लिए या फिर
पॉलिटिकल क्रेडिट लेने के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र और सेंटर के बीच में जिस तरह से जो चीजें चल रही हैं उससे आम आदमी ही फिक्रमंद है, आम आदमी को ही अफेक्ट होगा, क्योंकि आम आदमी अस्पताल के बाहर बैठा है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। बीएमसी की ऑक्सीजन फैसिलिटी खराब होने से कल 4 से 5 बीएमसी अस्पतालों में से कई लोगों को शिफ्ट करना पड़ा, ऑक्सीजन की किल्लत थी। रेमडेसिविर लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, स्टॉक्स खत्म हो जाती है, ब्लैक मार्केट में महंगी उसमें खरीदना पड़ता है। तो एक तरफ से आप कह सकते हैं कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसमें राजनीति ये सबसे लास्ट में आनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस ये है कि ऐसा नहीं होता दिख रहा है। अब इसका असर क्या होगा, क्या एक तरह से दोनों के बीच में जो जंग चल रही है उससे आम आदमी की इलाज पर फर्क पड़ेगा, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत निंदनीय बात होगी। जाहिर सी बात है, सियासत एक तरफ, लेकिन अब यहां कुमार अभिषेक मैं आपके पास आना चाहूंगी। 27,000 से ज्यादा मामले, एक दिन का लॉकडाउन, क्या इससे चेन टूट पाएगी? उत्तर प्रदेश का हाल भी आप बताइएगा, लेकिन उससे पहले जरा एक बड़ी खबर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। राजधानी में कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ते जा रहे, ऐसे में मदद की एक और चिट्ठी प्रधानमंत्री को जो भेजी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राजधानी में कोरोना के हालात पर चिंता जताई है, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 100 से भी कम बेड अब बचे हैं, तो ऐसे में हालात और खराब हैं। यूपी का हाल कुमार अभिषेक, क्या चेन टूट पाएगी एक दिन के लॉकडाउन से? नवजोत, देखिए एक दिन के इस लॉकडाउन से चेन नहीं टूटेगी, लेकिन लोगों के लिए ऐसे लॉकडाउन अब देखने पड़ेंगे। 27,000 से ज्यादा मामले रोज और 6,000 के आसपास मामले लखनऊ में, भयावह स्थिति है। न तो बेड मिल रहे हैं, न ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा है, और लोग अपने परिजनों को लेकर मारे मारे फिर रहे हैं। हम इस वक्त लखनऊ में 1090 चौराहे पर हैं, और ये लॉकडाउन है, सरकार ने एक दिन का लॉकडाउन किया है, लेकिन नवजोत हम ये कह सकते हैं पूरे शहर में घूमने के बाद कि ये एक स्वतः स्फूर्त बंद जैसा है। लोगों के भीतर इतनी दहशत है, ये मानकर लोग चल रहे हैं कि अगर कोई सुबह निकलता है और शाम को घर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो कोरोना के साथ लौट रहा है। ये हालात इस वक्त यहाँ हो गए हैं। कुछ देर पहले हम यहाँ के शमशान का जो इलाका है वहां गुजर रहे थे, एक लंबी तकरीबन आधे किलोमीटर का वो पूरा एक दायरा बन चुका है जहां पर हम लोगों का अंतिम संस्कार देख रहे थे। कुल मिलाकर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की, बनारस, इलाहाबाद, प्रयागराज, कानपुर, सब जगह स्थिति बेकाबू होती जा रही है। 2000 से ज्यादा मामले, 2000 के आसपास मामले वाराणसी में, प्रयाग में ऐसे निकल करके सामने आ रहे हैं। ये हालात हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी टीम के साथ आज भी बैठक कर रहे थे, संक्रमित हैं कई उनके दफ्तर अधिकारी संक्रमित हैं। कहा यह जा रहा है कि डीआरडीओ की मदद से 5,000 बेड्स अवेलेबल कराए जाएंगे, शुरुआत होगी, लेकिन कब तक शुरू होगी इसे देखना होगा। सबसे भयावह हालात अगर लखनऊ पे हैं तो वो लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और अस्पताल बेड के हो रहे हैं, और लोगों को यही नहीं मिल रहा है, और सबसे ज्यादा दहशत इसी से हो रही है। परिवार के परिवार इस वक्त कोविड पॉजिटिव है, कोई किसी घर में ज्यादा गंभीर है, लेकिन उसे जगह इलाज नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। इस बीच कोरोना संकट से कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो अछूता नहीं हो। राजस्थान की भी बात कर लेते हैं, हालात वहां पर भी बहुत ज्यादा खराब हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा से हमने बात की। राजस्थान में जिस तरह से कोरोना का विस्फोट हुआ है वो डराने वाला है। हमारे साथ है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या आ रही है, इस तरह से अगर बढ़ता रहे तो त्राही माह मच जाएगा। केसेज 16 फरवरी को हमारे यहाँ 60 केसेज थे और एक्टिव केसेज 1500 के करीब थे। आज हालात ये हो गई कि हर रोज बढ़ रहे हैं। कल का जो आंकड़ा आया 9046 पॉजिटिव केसेज एक दिन में आए, और कैजुअलिटीज हर रोज कभी 37 हो रही है, कभी 31 हो रही है, कभी 32 हो रही है। मतलब पिछली बार जब पीक आया था तो मैक्सिमम कैजुअलिटीज एक दिन में 20 थी, और अब तो हर रोज कभी 30 से ऊपर की कैजुअलिटीज हो रही है। और अब जो एक्टिव केसेस स्टेट के अंदर हो गए हैं वो 60,000 केसेस हो गए हैं। तो अस्पतालों में चाहे हम कितनी भी व्यवस्था कर लें, क्योंकि वेंटिलेटर्स के प्रिक्योरमेंट हमने की है, हमने आईसीयू डेवलप की है, हमने सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सिस्टम डेवलप किया है, हमने ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड भी हैं, सामान्य बेड भी हैं, क्वारंटीन बेड भी है, और जनरेशन के प्लांट्स लगाए हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब इतने केसेस रोज पॉजिटिव आएंगे तो फिर ये इंतजाम भी तो कम ही पड़ेंगे ना।
क्या आपने जो रेमडेसिविर दवा है या ऑक्सीजन है जिसके लिए बाकी राज्यों में त्राहिमा मचा हुआ है, राजस्थान में क्या स्थिति है, क्या इंतजाम किए आप लोग? देखिए, ये एक तो ये रेमडेसिविर जैसे इसकी शॉर्टेज पूरे कंट्री में हो गई है। कल भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री से 11 राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर्स की वीसी थी, हमने उनको कहा कि हमारे पास अभी 1400 रेमडेसिविर है और हमारी रिक्वायरमेंट 1 लाख की है, तो जो कंपनियां रेमडेसिविर बनाती है हमारा उनके साथ रेड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, हमको टाइमली अगर वो प्रोवाइड करती है, इसमें भारत सरकार के इंटरवेंशन की जरूरत है। उसके अलावा वैक्सीन की जहां तक बात है, क्योंकि वैक्सीन हमने 1,07,00,000 लोगों को लगाई राजस्थान में, अब हमारे पास वैक्सीन नहीं है, तो हालांकि भारत सरकार ने 10 लाख वैक्सीन दी है लेकिन एक दिन में हमारी कैपेसिटी 7 लाख लोगों को लगाने की है, तो ये 1-1.5 दिन की वैक्सीन है, तो वैक्सीन की प्रॉपर सप्लाई हो जाए, रेमडेसिविर पर्याप्त मात्रा में राज्यों को मिल जाए। तो कहीं वैक्सीन की कमी है, कहीं दवाई की कमी है, कहीं ऑक्सीजन की कमी है, हालात बहुत खराब है। कितने बिगड़ चुके हैं इसका पता तब चलता है जब अस्पतालों की तस्वीर देखते हैं, लगता है कि इंतजाम नाम की कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ चरमरा चुका है। चौबीस घंटे में देश भर में 2,61,500 मरीज, 24 घंटे में देश भर में 1,500 मौत, देश भर में कोरोना के 18 लाख से ज्यादा सक्रिय मरीज। इन आंकड़ों का मतलब अगर आपको न समझ में आए तो सीधे सीधे इन तस्वीरों को देख लीजिए और समझ जाइए। अस्पताल भर चुके हैं, गंभीर मरीजों को भी जगह नहीं मिल रही है, जो मरीज भर्ती हैं उनके लिए इंतजाम नाकाफी है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, बिना इलाज के लोग दम तोड़ रहे हैं। लेकिन बर्बादी की ये कहानी मौत के बाद भी खत्म नहीं हो रही, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए शमशान में भी वेटिंग है। ऐसी विकट परिस्थितियां पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी और न ही सुनी थी, सारा सिस्टम चरमरा चुका है। जिंदगी और मौत तो पहले भी ऊपर वाले के हाथ में थी, अब कोई इसमें दखल देने की कोशिश भी नहीं कर रहा। दिल्ली के LNJP अस्पताल में शनिवार देर रात का हाल देख लीजिए, सबको फर्स्ट सायरन की ये आवाज साफ तौर पर ये बयां कर रही है कि दिल्ली की स्थिति लगातार कोरोना को लेकर के भयावह होती जा रही है। दिल्ली का कोरोना का सबसे बड़ा अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के बाहर है, हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि लाइन से लगातार एक के बाद एक जो एम्बुलेंस है उसमें मरीजों को यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अस्पताल में एडमिशन के लिए, लेकिन एडमिशन जो है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा है। परिवार वाले यहाँ पर है, कितनी देर से, कहाँ से आप आए? गाजियाबाद से। क्या कह रहे हैं? 5 घंटे हो गए जी। अच्छा। अभी देखेंगे अंदर है। क्या कह रहे हैं? अभी देखेंगे। मेरा पेशेंट अब तो अंदर ही है, मेरी भाभी है, प्रेगनेंट है, 9 महीने पूरे हो चुके हैं, डिलीवरी केस है मेरा, तो उनको देखने वाला कोई नहीं अंदर भाई जी। हाथ से फसलते हालात को देखते हुए कल रात ही प्रधानमंत्री ने समीक्षा बैठक की, इंतजाम सुधारने के लिए पूरी ताकत झोंक देने की अपील की, लेकिन जमीनी हकीकत प्रधानमंत्री की अपील और नसीहत के उलट दिखाई दे रही है। कल ही केंद्र सरकार ने जीवन रक्षक रेमडेसिविर इंजेक्शन के दामों में कटौती का ऐलान किया ताकि जरूरतमंदों को दवा मिल सके। ठीक उसी वक्त गुरुग्राम में करीब 2,500 से ज्यादा इंजेक्शन की 25,000 रुपए में कालाबाजारी हुई। हॉस्पिटल सप्लाई का है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सप्लाई का, तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये है कि गवर्नमेंट सप्लाई का इंजेक्शन बाहर आया कैसे, और इसी तरीके के लोग हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं, और विभाग इसके मामले के ऊपर अपनी नजर बनाए हुए और सतर्कता से काम कर रहा है। महामारी का कहर पूरी दुनिया और पूरे देश में ही है, लेकिन भारत में 5 राज्यों की स्थिति सबसे खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67,123 मरीज दर्ज किए गए, उत्तर प्रदेश में 27,334 मामले सामने आए, दिल्ली में 24,375 मरीज, कर्नाटक में 17,489 मरीज और छत्तीसगढ़ में 16,083 मामले दर्ज किए गए। इन 5 राज्यों का आंकड़ा देश भर के मरीजों का करीब 58% है। कोविड के खिलाफ जंग को लड़ने के लिए सब प्रकार से व्यवस्थाओं को विकसित किया है। हम इस समय भी जब कोविड के मामले
थोड़ा ज़्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। हम निश्चित रूप से इस सर्ज को भी और इसके कारण पैदा हुए चैलेंजेस को भी ओवरकम करने में सफल होंगे। मौजूदा वक्त में कोरोना संक्रमण पिछले साल की तुलना में करीब 3 गुना हो चुका है, लेकिन पिछले साल के लॉकडाउन से उलट इस बार लोग घरों से बाहर हैं। मतलब ये कि संक्रमण का खतरा फिलहाल तो रुकता नजर नहीं आ रहा। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।